तो गाइस एंड वेलकम बैक टू वेलोसिटी। तो आज हम जा रहे हैं नैनीताल। सो आज इससे नहीं जा रहे, आज हम जा रहे हैं इससे। सो लेट हो गया थोड़ा, 8 बजे निकलने का प्लान था और अभी हो रहा है 9:05 फॉग की वजह से। सो अभी उम्मीद है हमें हाईवे पे क्लियर हो गया होगा। सो अभी निकलते हैं बस 10-5 मिनट में। तो एक मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर एक गाड़ी हमें और ज्वाइन करने वाली है और फिर उसके बाद हम आगे फुल इन्जॉय करते हुए चलने वाले हैं। तो मिलते हैं अब आपको गाड़ी में एक सरप्राइज के साथ। तो गाइज हम लोग फाइनली निकल चुके हैं अब नैनीताल के लिए। तो सरप्राइज जो था वो ये है। तो ये हमारी बहन जी हैं जो हमारे साथ जा रही हैं। हैं क्या? नहीं, अब तो कुछ नहीं। हाँ। अब तो ये जा रही हैं। ये लो जी चश्मे वाला लुक ले लीजिए इनका। तो ये हमारी बहन जी हैं जो हमारे साथ जा रही है नैनीताल। मतलब इनकी वजह से हम जा रहे हैं, बट प्लान सारा हमारा ही है, इनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ टैग अलोंग हो रहा है। मेरी तो इज्जत भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर चलते हैं और मिलाते हैं अब उन लोगों से जो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो यार अभी तक क्या हुआ है कि वो लोग तो निकले ही नहीं है घर से, ठीक है, और हम पहुंचने वाले हैं मीटिंग पॉइंट पे। मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे हमें पहुंचने में। तो मैंने भी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो कर ली है, 40-50 चल रही है कि हम लोग भी आराम से पहुंचे, वो लोग भी आराम से पहुंचे। और फॉग की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, जरा दिखाओ बाहर रोड पे। ये देखो ये कंडीशन चल रही है फॉग की। फाइनली गाइज हम मीटिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। मीटिंग पॉइंट था रिलायंस पेट्रोल पंप। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमारी आ गई है। वो लोग अभी निकले ही थे घर से, तो उन लोगों को करीब 10 मिनट लग जाएगा। और फॉग की हालत देख लो गाइज, मतलब बहुत मजा आने वाला है। अभी इतनी ठंड हो रही है तो ऊपर जाके रात में कितनी बढ़िया ठंड होने वाली है। मस्त गाने चल रहे थे भाई की साइकिल में। ओह सो लेट्स वेट फॉर देम और फिर उनकी गाड़ी भी दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेट सो फाइनली ये लोग आ चुके हैं, निपर मार रहे हैं बढ़िया करके। बाजी बहुत लेट करा दिया यार आप लोगों ने। चले तेरा पूरा बताऊं क्या? अरे यूपी 25 डीएन तेरा डीएन हाँ क्यों, क्या हो गया, तुम क्यों उधर गई? हेलो कोरा नहीं है, कोरा बिल्कुल नहीं है, आगे नहीं मिलेगा। दिस इज नॉर्मल कोरा, इससे ज्यादा डेंस फॉग में गया हुआ हूँ मैं। पहचान नहीं पाएंगे नहीं ताल तक इसको। पीओपी वगैरह सब उधर जाएगी चेहरे की। चलो 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 फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं और ये खड़ी उनकी गाड़ी। हम लोग हैं पहले टोल पे। अब यहाँ से एक ही साइड का लेंगे क्योंकि अभी बज रहा है 10 और कल हम 10 बजे तक वापस आ नहीं पाएंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? यस। सो फटाफट अब निकलते हैं। फॉग का कुछ कंडीशन सही नहीं हुआ है, अभी भी बहुत फॉग है। कहाँ तक हमें फॉग मिलने वाला है एंड लेट्स सी क्या होता है आगे। सो गाइस फाइनली हमने यूपी क्रॉस कर लिया है, अब हम आगे उत्तराखंड में और ये बॉर्डर्स पे ये हाल चल रहा है। पता नहीं हम तो कौन था, हम रोड पे भी चल रहे हैं चल रहा है हमें ये भी नहीं पता। और इतना ट्रैफिक है, इस पूरी लाइन में ट्रक्स ही ट्रक्स चल रहे हैं, आप देख पा रहे हो भाई, बहुत ही गंदा सीन है। ये देखो ऑटो वाले, वो बहुत जल्दी है, ओवरटेक कर लेंगे आराम से। जैसे तीन पहिए हैं यार, ऐसे काम करते हैं। फाइनली गाइस हम लोग हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। ये पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है और उस तरफ में थार खड़ी हुई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सबवे कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है। सुबह सिर्फ कॉफ़ी पी के निकले थे और अब थोड़ा सा कुछ खाएंगे। वेदर गर्म हो चुका है सुबह के हिसाब से, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब देखते हैं क्या ऑर्डर किया जा रहा है। क्या ऑर्डर कर रहे हैं फिर? क्यों ले लिया कर दिया भाई, चिकन स्लाइस। चिकन स्लाइस, चिकन स्लाइस है, इसमें आलू पैटी है। चलो फटाफट से कुछ ऑर्डर कर दिया जाए सबवे पर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो लोग जा रहे हैं डाउनटाउन में। हाँ भाई क्या प्लान हो रहा है, जो बोलो वो प्लान हो रहा है। क्या ले रहे हैं फिर गाइज? एक तो ये पीती हैं, ये पीते हैं और ये पीते हैं। मैं बिल्कुल सीधा लड़का हूँ, मैं पहली बार आ रहा हूँ। <किसको लाया हो? laughs>
हल्द्वानी भी हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। सो हिल ड्राइव हमारी शुरू हो चुकी है और भाई गर्मी बहुत है, मुझे जैकेट उतारनी पड़ गई, हालत बिल्कुल टाइट है। हमने सनरूफ वगैरह खोल दिया, थोड़ा सा फ्रेश एयर का एंजॉयमेंट चल रहा है अपना। बाकी मजा आ रहा है, देख सकते हैं आप इनको गॉगल्स के साथ, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो रखी है। तो बाकी हमने तैयारी कर ही ली है रात के लिए और पार्टी करेंगे, देखते हैं ऊपर चल के भी थोड़ा सा एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे ही। और हल्का वो ट्रैफिक मिल रहा है संडे की वजह से हमें। फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं, मेरे हिसाब से आधा किलोमीटर के आसपास रह गया होगा ऊपर जाना। और ये यार लोग ना बहुत ही गलत तरीके से, पे थोड़ा सा स्टॉप लेंगे और करेंगे लंच। उससे पहले मैं आपको हिल ड्राइव की अपडेट देता हूं। एक जने ने ब्लाइंड स्पॉट पे गाड़ी रोकी हुई थी और एक ने बाइक रोकी हुई थी ब्लाइंड स्पॉट पे, ठीक है। मतलब लोगों को आइडिया ही नहीं होता कहाँ गाड़ी रोकनी है कहाँ नहीं रोकनी है। भाई हर जना एक्सपर्ट नहीं होता, कोई घुस गया फिर क्या होगा। अभी हम थोड़ी देर तो माल रोड पर ही घूमने वाले एंड पता नहीं क्या प्लान होगा आगे का। अभी यहाँ से कराते हैं एंट्री। कितना दिन? 110 एंट्री का। अच्छा महंगाई का जमाना, थोड़े ज्यादा पैसे लाना। 110 रुपए की एंट्री और उसने बोला अगर दोबारा लाओगे तो दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। भाई साहब उस तरफ है अपनी नैनीताल लेक और वहाँ चल रही है बढ़िया बोटिंग। सुना बोटिंग करनी है? नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे बोटिंग, बिल्कुल नहीं कराएंगे, ये सब मत दिखाइए। बोटिंग वगैरह तो नहीं कराने वाले इनको। अभी यहाँ हम बढ़िया सा लंच के लिए कोई स्पॉट देखते हैं और फिर चिल करते हैं। उनको तो आने दो। सो गाइस दिस इज द व्यू, बहुत ही प्यारा लग रहा है और काफी रश है यार आज। मतलब ठीक है दिसंबर है, संडे है, तो उस हिसाब से काफी ज्यादा रश है। दिस इज अमेजिंग मैन, दिस इज अमेजिंग। तो काफी टाइम बाद नैनीताल आना हो रहा है, तो कैसा लग रहा है नैनीताल आके? तो सब काफी खुश हैं, ये भी नैनीताल आके। गाइस गाड़ी पार्क हो चुकी है और अब हम सब लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। बोटिंग वगैरह का प्लान सोच रहे करने का, देखते हैं। काफी भीड़ है यार नैनीताल में आज उस हिसाब से। सो फुल ऑन मजा आने वाला है, मजा आ भी रहा है। तो ये है पूरा नैनीताल का सीन। रास्ते में हमें दिखी हायाबुसा GSA, वो कवर नहीं कर पाए, बट भीड़ देखो गाइस क्या नेक्स्ट लेवल की है। तो गाइस फाइनली हम लोग नैनीताल में मॉल रोड घूम चुके हैं और हम ऊपर जा रहे हैं, कोई कॉटेज बुक किया है वो मैं ऊपर पहुंच के आप लोगों को दिखाऊंगा। पर इतना बढ़िया वेदर हो गया है शाम को, जो हम जब पहुंचे थे तो दोपहर में बहुत गर्मी थी बट अब बहुत ही प्यारा वेदर हो गया है एंड काफ़ी सही मज़ा आ रहा है। उन्होंने तो अपनी थार जो है ऊपर से टॉप ही हटा दिया है, कन्वर्ट कर दी बिल्कुल ही, तो उनको तो और ही अलग फील आ रहा होगा। अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के व्यू दिखाएंगे ऊपर जाते वक्त का। तो नैनीताल से हमारा कॉटेज जो है वो 15-16 किलोमीटर ऊपर है, सो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं।
तो नैनीताल से काला डूंगी की तरफ रास्ता जाते हैं, वहां से निकले हैं। सब आगे आपको व्यू दिखाएंगे सारी रोड पे, स्टे ट्यून्ड गाइस। काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं नैनीताल से, रोड ही खत्म हो गई है यहाँ पे तो, कच्चा रास्ता है बिल्कुल ही। दिखाओ जरा कच्चा रास्ता ही। वैसे भी जा रहा हूँ, अगर मेरे पास कैमरा मैन नहीं होती ना तो ये वीडियो नहीं बन रही थी आज। मैं वीडियो बीच में ही छोड़ देता भाई साहब। गाड़ी मतलब इतने टर्न्स हैं, ऐसी रोड है, इतनी पतली रोड है कि दो गाड़ियां भी साथ में निकलने में दिक्कत है। इस रोड पर क्रॉस नहीं कर सकती दो गाड़ियां। और अभी भी हमें 10 से 15 मिनट हैं, और एक घंटा में कॉटेज कैसा होगा, खाना कैसा होगा, अभी वो वहां जाके ही पता चलेगा कैसा कॉटेज बुक किया इतना ऊपर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कल जब हमें वापस उतरना होगा तब क्या कंडीशन होगी भाई साहब। ये तो इम्पॉसिबल वाला सीन हो गया बिल्कुल ही, कहाँ ही बुक कर दिया उन्होंने। तो देखो भाई दो गाड़ियां निकलना इतना मुश्किल वाला काम है, उसने कहाँ चढ़ा दी गाड़ी भाई, नेक्स्ट लेवल हो गया। That was too close. ये देखो इस तरीके से निकल रही है भाई सब गाड़ियां। फाइनली गाइस कॉटेज के पास हम आ चुके हैं, और यहाँ सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहा है, पता नहीं रात की पार्टी कैसे होगी। इनके जो गाने हैं ना, ये जो चल रही हैं, इतने गंदे गाने हैं इनके पास डाउनलोडेड, मैं सही बता रहा हूँ, ये वाला रास्ता तक झेलना मुश्किल हो गया। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर ट्रैक करने जा रहे हैं, वहाँ ऊपर चलते हैं जब तक राठी भाई कॉटेज का पता करने गए हैं। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा एक वॉक लेके आते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ओह जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, इट्स अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग मैन। ओह जस्ट लुक एट दैट येलो लाइनिंग। थोड़ा सा डरावना है बट लेट्स गो। A few moments later. गाइस ऊपर आ गए, ये पूरा ट्रैक करते हुए, वो जहाँ आप लाइट जल रही देख रहे हो ना, वहाँ से चढ़ते हुए आ रहे हैं। व्यू बहुत अमेजिंग है। ओह ये देखो मजा ही आ गया बिल्कुल ही। फ्लैश हो रही है भैया की। तुरे खा लो, तुरे। क्या व्यू है गाइस। और ये हमारा कॉटेज, चलो अभी अंदर चल के और दिखाते हैं। ये है हमारा कॉटेज, बहुत ही प्यारा। और ये है पूरा व्यू, इतना चढ़ के आए हैं, अभी भी सांसें फूल रही सबकी। क्यों भाई मजा आया चढ़ने में? अब तो सेटल हो गए। सेटल हो गए? अच्छा मतलब मैं ही अनफिट हूँ यहाँ पे, है ना? ऑल गुड, ऑल गुड। ये लोग बिना सामान के चढ़े इसलिए ऑल गुड है। और ये पानी आ गया, थैंक यू भैया। कॉटेजेस अलॉट हो गए हैं, एक ये वाला है अपना और एक उधर वाला है। बहुत ही प्यारा कॉटेज है, एक बार मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। क्या अमेजिंग बेड्स हैं, रूम है, और ऊपर चढ़ के बैठने का भी सेटिंग है। वो वहाँ मेरे को उम्मीद है बढ़िया व्यू आता होगा। और ये पूरा रूम, और ये हमारी बहन जी, और ये मैं। हेलो गाइस, और ये बाथरूम बढ़िया है ऑल ओवर। ओ इधर भी सेटिंग है, यहाँ से सुबह बहुत ही बढ़िया व्यू आने वाला है। ओह ओह अमेजिंग। सब चलते हैं देखते हैं क्या प्लान है, और बैग भी अपना मिसिंग है, बैग भी ढूंढते हैं। ये है पूरा कॉटेज का व्यू, और ये है अपना कॉटेज, ये है अपना कॉटेज, और इधर चल रहा है बॉनफायर, बस एंजॉय करने, चिल करने। अब आपको मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। कल वापसी है बरेली के लिए, सो वो भी काफ़ी फन होने वाला है, दो तीन स्टॉप्स हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय, टेक केयर।